देखो नवजोत सिंह सिद्धू जब वो पहले अध्यक्ष थे मैंने तब भी उनको अपना बड़ा भाई माना था, आज भी मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानता हूँ। और अब कोर्ट के सामने माननीय अदालत के सामने किसी का वो अधिकार तो नहीं, वो जो भी मान जो सुप्रीम कोर्ट सब ने माना है उनको सजा दी है उसके ऊपर तो मैं टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ मुझे इस बात का दुख है कि अच्छा होता अगर ऐसा ना होता। मेरे से न्यूजली किसी प्रकार की जहां भी सिद्धू साहब को मेरी जरूरत हो मैं हमेशा तैयार हूँ उनके लिए, क्योंकि आपस का भाईचारा, आपस का प्रेम, आपस के संबंध जिंदगी भर खराब नहीं होने चाहिए। और इसके लिए मैं सबको कहना चाहता हूँ आज कि हमेशा रिश्ते बना के रखने चाहिए, रिश्तों से बड़ी कोई चीज नहीं। जहां तक सुनील जाखड़ की बात आपने कही है, मेरे को लगता कि परसों तक कहीं ना कहीं जाखड़ साहब को लोग देख रहे थे कि कुछ लोग ये महसूस कर रहे थे कि जाखड़ साहब के साथ ज़ास्ती हुई है, कुछ लोग, हालांकि उनको भी कहानी का अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ है। लेकिन दो दिन के बाद ही नड्डा के साथ बात कर और बीजेपी ज्वाइन कर ले, हमें तो इस बात का पता था लेकिन हम बोले नहीं। ये सारा प्री प्लान था, अदरवाइज तो एज ए हिंदू जाखड़ साहब को सवाई मुख्यमंत्री। ब्रिंग साहब कैसे देखते हो आज नवजोत सिंह सिद्धू, पहले कहा गया था कोर्ट में सरेंडर करेंगे और आज तबीयत का हवाला देकर एक हफ्ते का समय मांगा है। अब इसमें तो क्या देखना है, मेरे को लगता है कि हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो और अगर उन्होंने टाइम मांगा है तो वो जायज ही मांगा होगा। जैसे सभी पार्टी के लीडर नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने पहुंचे हैं, क्या आप पंजाब के प्रधान हैं, वो पूर्व प्रधान हैं, आपकी तरफ से उनसे मुलाकात होगी? देखो नवजोत सिंह सिद्धू जब वो पहले अध्यक्ष थे मैंने तब भी उनको अपना बड़ा भाई माना था, आज भी मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानता हूँ। और अब कोर्ट के सामने माननीय अदालत के सामने किसी का वो अधिकार तो नहीं, वो जो भी मान जो सुप्रीम कोर्ट सब ने माना है उनको सजा दी है उसके ऊपर तो मैं टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ मुझे इस बात का दुख है कि अच्छा होता अगर ऐसा ना होता। क्या पंजाब कांग्रेस के द्वारा कोई इस मामले में सहायता की जाएगी? नहीं, मेरे से न्यूजली किसी प्रकार की जहां भी सिद्धू साहब को मेरी जरूरत हो मैं हमेशा तैयार हूँ उनके लिए, क्योंकि आपस का भाईचारा, आपस का प्रेम, आपस के संबंध जिंदगी भर खराब नहीं होने चाहिए। ये चीजें तो आती जाती रहती हैं और मेरे को लगता है इतनी महत्वपूर्ण नहीं, जिंदगी में रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके लिए मैं सबको कहना चाहता हूँ आज कि हमेशा रिश्ते बना के रखने चाहिए, रिश्तों से बड़ी कोई चीज नहीं। और अगर रिश्ते हों, जिन लोगों के रिश्ते होते हैं वो जिंदगी भर उनको किसी चीज की कमी नहीं रहती है, तो वो मेरे रिश्ते उनके साथ हैं। मेरे को लगता, मैं महसूस करता हूँ कि जब भी उनको मेरी जरूरत पड़ेगी राजा बढ़ेंगे, छोटा भाई होने के नाते हमेशा उनका साथ देगा। सर नवजोत सिंह सिद्धू जेल जा रहे हैं, हफ्ते का समय मांगा है और
सुनील जाखड़ जी पार्टी छोड़ चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके, कैसे देखते हो उसको? देखो, मैंने पहले भी कह दिया कि अदालत के सामने जो अदालत का फैसला है उसके ऊपर तो मैं क्या टिप्पा टिप्पणी कर सकता हूँ। जहाँ तक सुनील जाखड़ की बात आपने कही है, मेरे को लगता कि परसों तक कहीं ना कहीं जाखड़ साहब को लोग देख रहे थे कि कुछ लोग ये महसूस कर रहे थे कि जाखड़ साहब के साथ ज़्यादती हुई है, कुछ लोग। हालांकि उनको भी कहानी का अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ है, लेकिन दो दिन के बाद ही नड्डा के साथ बात कर और बीजेपी ज्वाइन कर लेना, हमें तो इस बात का पता था लेकिन हम बोले नहीं कि बीजेपी से 6 महीने से पहले ही बातचीत हो चुकी थी। ये आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कहने पर जो भी इन्होंने किया इलेक्शन के समय, जब इन्होंने हिंदुत्व की बात की और इन्होंने कहा कि हिंदू चेहरे को कांग्रेस पसंद नहीं करती है, ये सारा प्री प्लान था। अदरवाइज तो एज ए हिंदू जाखड़ साहब को सिवाय मुख्यमंत्री से के बिना कोई ऐसा पद छोड़ा ही नहीं जो नहीं दिया हो कांग्रेस में, कोई ऐसा पद ही नहीं है। MLA, पार्लियामेंट चेयरमैन, CLP, PCC, हारे हुए व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पार्टी ने बना दिया, स्क्रीनिंग का चेयरमैन, कैंपेनिंग चेयरमैन, स्क्रीनिंग मेंबर बना दिया, कोई ऐसा पद बचा ही नहीं है। तो मेरे को लगता है इस प्रकार से पार्टी छोड़ जाना एक अलग बात है, आदमी हर व्यक्ति पार्टी छोड़ सकता है, 50 साल का रिश्ता भी तोड़ सकता है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी छोड़ने से पहले अल्जामत लगाए और जिस तरीके से प्लानिंग करके कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की बात की कि मैं कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने की बात कही, ये प्री प्लान जो काम किया, मेरे को लगता है इसके लिए पंजाब के लोग जाखड़ साहब को कभी माफ नहीं करेंगे। मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि आप PCC रहे, आप कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, क्या आपका कोई योगदान कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में? 5 साल सरकार में आप PCC रहे, कोई ऐसा कोई किंतु परंतु आपने कभी लगाया हो जो जनता के हित में हो? नहीं, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और आज मेरे को लगता है जाखड़ साहब 65 साल की उम्र के होंगे, बिना ताकत के आप 2 महीने भी नहीं रह सके। ऐसे लोगों को ही लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया इस चुनाव के अंदर। जो सत्ता सरकार के भूखे लोग हैं उनको जनता नकार देगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि अब पंजाब के लोगों की तबीयत कुछ और है। लोग दोगले लोगों को, लोग गदार लोगों को, लोग डिसिप्लिन में ना रहने वालों को, लोग जो केवल अपनी ही बात करें कि मैं ही हूं सब कुछ, उनको नकार चुके हैं। और मेरे को लगता है इन तमाम राजनेताओं को बदलना पड़ेगा, बदल जाना चाहिए, नहीं तो जनता इनको मुंह नहीं लगाएगी।